दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल नहीं बता रहे पासवर्ड, दे रहे गोलमोल जवाब, 1 मार्च तक बढ़ी हिरासत। दिल्ली शराब घोटाला मामले में रिमांड खत्म होने के बाद ईडी ने गुरुवार को एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने ईडी हिरासत 1 अप्रैल तक बढ़ा दी है, जबकि अरविंद केजरीवाल की ओर से रमेश गुप्ता बहस कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान सुनीता केजरीवाल भी कोर्ट रूम में मौजूद हैं। इस दौरान एसवी राजू ने आरोप लगाया है, सीएम अरविंद केजरीवाल डिवाइसों के पासवर्ड भी नहीं बता रहे हैं, गोलमोल जवाब दे रहे हैं। केजरीवाल नहीं बता रहे पासवर्ड, ईडी ने कोर्ट रूम में सुनवाई के दौरान कहा कि जब केजरीवाल से डिवाइस का पासवर्ड पूछा गया तो उन्होंने बताने से इनकार कर दिया और कहा कि वो वकीलों से पूछकर बताएंगे। ईडी की ओर से पेश वकील एसवी राजू ने उनके रिमांड की मांग करते हुए कहा कि केजरीवाल को कुछ और लोगों से आमना सामना कराना है। 1 अप्रैल तक बढ़ी हिरासत। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को शराब पुलिस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी हिरासत 1 अप्रैल तक बढ़ा दी है। ईडी ने 7 दिनों की और रिमांड की मांग करते हुए कहा कि केजरीवाल की पत्नी के एक मोबाइल फोन का डेटा निकाला गया है और उसका विश्लेषण किया जा रहा है। हालांकि 21 मार्च को तलाशी के दौरान जब्त किए गए मुख्यमंत्री के अन्य 4 डिजिटल उपकरणों का डेटा अभी निकाला जाना बाकी है। अरविंद केजरीवाल को क्यों किया गिरफ्तार? प्रवर्तन निदेशालय ने उत्पाद शुल्क नीति मामले से संबंधित आरोप पत्रों में कई बार उनके नाम का उल्लेख करने के बाद 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। आपके राष्ट्रीय संयोजक पर शराब व्यापारियों से लाभ के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है। ईडी ने उन पर अब रद्द की गई नीति में किंग पिन और मुख्य साजिशकर्ता होने का भी आरोप लगाया है। एजेंसी ने इस मामले के संबंध में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह सहित कम से कम 14 शीर्ष आप नेताओं को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही ईडी ने अपराध की आय के लाभार्थी के रूप में आपकी जांच करने की अनुमति के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि केजरीवाल ने आरोपों से इनकार किया है। भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र पर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए जांच एजेंसियों में हेरफेर करने का आरोप लगाया है।